नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। एक शिक्षक को जीपीएफ का लोन लेना इतना महंगा पड़ा कि उसकी लोन की किस्त चुकाने के बाद भी उसकी तनख्वाह नहीं आ रही। शिक्षक ओपी बुनकर ने बताया कि उसने जीपीएफ के अगेंस्ट 28,000 रुपये का लोन लिया था जो कि पूरा हो चुका है। इसके अलावा 4 किस्तें भी ज़्यादा पहुंच गई हैं, फिर भी शासन द्वारा उसे वेतन नहीं दिया जा रहा। इस हेतु वह जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष गुहार लगाने पहुंचा। साथ ही उक्त शिक्षक ने आवेदन भी दिए, उसके बाद भी उसको वेतन नहीं दिया जा रहा। शिक्षक को बोला गया कि जहाँ से तुम्हारी किस्त कटती थी वहाँ से लिखवा कर लाओ, उसके बाद तुम्हें वेतन मिल जाएगा। कैंट प्राचार्य द्वारा लिखित में देने के बाद भी शिक्षक को अगस्त माह का वेतन नहीं मिला। शिक्षक लगातार विभाग के चक्कर काट रहा है। मैंने जीपीएफ अग्रिम लोन लिया था 28,000, इसकी 20 किस्तें कटने थी, वो मेरी कट गई 24 किस्तें। इसके बाद में उन्होंने बिल बनाया तो बिल उन्होंने पूरा ही बनाया, तो इसके बाद में जो है ना बीओ ऑफिस से डाल नहीं रहा वेतन। फिर भी ईओ मैडम मारती बाबू से बात, भाई मेरी आजकल के कटाल देते हैं, आज डल जाएगी कल डल जाएगी, आज डल जाएगी कल डल जाएगी। उन्होंने ये बताया था कि आप वहाँ से जो किस्त कटी वो लिखवा के ले आओ, और जिम में लिखवा के भी ले आए पूरी। बच्चों में सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। बच्चे संस्कारवार बने, इस आशय से गायत्री परिवार द्वारा विभिन्न कॉलोनियों में संस्कार शालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन संस्कार शालाओं का आयोजन प्रत्येक रविवार को अलग अलग कॉलोनियों में किया जाता है। आज सोनी कॉलोनी में एक निजी स्कूल में इसका आयोजन किया गया। इन शालाओं में बच्चों को योग के गुण, विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं संस्कार की जुड़ी बातें सिखाई जाती हैं। ये हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से विभिन्न कॉलोनियों में बाल संस्कार शाला चला रहे हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में बच्चों को संस्कार की बहुत आवश्यकता है। एक सुदृढ़ समाज के लिए बाल संस्कार शालाओं की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सभ्य समाज की संरचना तभी होगी जब हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे। तो उनके लिए हम लोगों ने मिलकर एक ये प्रयास किया है कि बच्चों को योग, एक्सरसाइज, ध्यान और मोटिवेशनल गेम और मोटिवेशनल कहानियां सुना करके बच्चों के जीवन को बदलने का एक प्रयास किया जाता है। यहाँ के अलावा और भी कई कॉलोनियों में हमारी इस तरीके की बाल संस्कार शालाएँ चल रही हैं। इसमें हमारा केवल यही प्रयास है कि हमारा समाज की संरचना आगे आने वाले समय में अच्छी हो और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आए। हम प्रत्येक रविवार के दिन सुबह 12 से 1 के बीच में एक क्लास लेते हैं, जिसमें 5-6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे यहाँ के योगा, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें हम लोग नैतिक मूल्यों का जो विकास कैसे कर सकते हैं वो सब हम बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ 12 से 1 ये चलती है और हम सबसे अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ भेजें, क्योंकि ये निःशुल्क ही क्लास पूरी तरह से, और हम चाहते हैं कि बच्चों में अपने संस्कार विकसित हों, इसलिए हम ये क्लास काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती आज श्रद्धा भाव के साथ धूमधाम से मनाई गई। इसके तहत आज एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा एवं चल समारोह मैथिलोजा समाज धर्मशाला ट्रस्ट के द्वारा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने शिरकत की। उक्त शोभा यात्रा एबी रोड बड़े पुल के पास धर्मशाला से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। Thank you.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस आज स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही सुबह से ही जज्जी बस स्टैंड से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें भाजपा के जिला अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई की गई। भाजपा जनों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य जनों ने भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर श्रमदान भी किया। हाल तरफ देखो, सब लोग इधर, कोई मत देखना कैमरे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा दिवस के रूप में संपूर्ण शहर में स्वच्छ बनाने के संकल्प को लेकर आज जन्मदिवस मनाया गया है। उसी क्रम में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर भरे में सारे कचरे को साफ करके अग्नि जला के व्यवस्थित सफाई का कार्यक्रम रखा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, जिसे पार्टी संगठन ने और सरकार दोनों ने सेवा कचरा उधर हो रहा है उसको इकट्ठा कर लो दिवस के रूप में मनाया है। सभी जगह कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता अभियान चलाकर सांकेतिक रूप में तो कहीं सेवा के माध्यम से इस अभियान को पूरा कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण देश से ही नहीं अपितु दुनिया भर से इस प्रकार की शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज जज्जी बस स्टैंड से लेकर पूरे बाजार में स्वच्छ भारत मिशन को देखते हुए मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज शहर में झाड़ू लगाते हुए हमने लोगों को संदेश दिया। व्यापारियों से निवेदन किया कि आप डस्टबिन रखें, क्योंकि सफाई होने के बाद व्यापारी अपनी दुकान खोलते हैं, फिर कचरा अपनी दुकान के सामने फेंक देते हैं। उनसे हमने अनुरोध किया, सब्जी वालों से अनुरोध किया, चाय वालों को, ठेले वालों से अनुरोध किया है कि चाय पीकर रोड पर मग्गा ना फेंकें, और अगर व्यापारियों से अनुरोध करने के बाद भी ठेले वाले, रिक्शे वाले, चाय वाले, व्यापारी अगर हमारी बात को नहीं लेते हैं तो हम चालान की प्रक्रिया करेंगे। हमको शहर को सुंदर बनाना है। कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन SUCI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस का किया विरोध, साथ ही जयस्तम चौराहे पर किया विरोध प्रदर्शन। SUCI के पदाधिकारियों का आरोप है कि एक तरफ सरदार सरोवर बांध में लोग मारे जा रहे हैं एवं विस्थापितों को कोई जगह नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिवस मना रहे हैं जो कि शर्मनीय है। SUCI के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह से कार्य करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उनको डुबा दे, उनका सारा असला सामान पूरा डूब जाए, उनको देखा उदाहरण आज तक देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया, लेकिन इस देश में ये हो रहा है। ये वही देश है जिस देश में हमने मांग की थी कि हमको एक अच्छी सरकार मिलेगी, हमको रोटी चूड़ों के बच्चे को भी पढ़ाई मिलेगी, वो भी खुशहाल जीवन जियेंगे। लेकिन आज जो ये मंजर हम देख रहे हैं, एक पर एक हमले आम जनता के ऊपर लगातार हो रहे हैं, इसके विरोध में आज हम यह विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए। 40,000 परिवारों की रोजी रोटी मकान के सवाल को लेकर किया जा रहा है, ये कोई दिखाव नहीं। आज 17 सितंबर को हम बताना चाहते हैं कि जब
सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है। इसका मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपना जन्मदिन का जश्न उस कार्यक्रम में मना रहे हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। एक ऐसे समय में आज जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है, तब 40,000 परिवार विस्थापित हो रहे हैं। उनका घर डूब रहा है, उनका सारा सामान डूब रहा है, वो बेघर हो रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। ये शर्मनाक है, ये धिक्कार की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस ढंग से 40,000 परिवारों को डुबाकर 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की जान को जोखिम में डालकर अपने जन्मदिन का जश्न मना रहा है और उनकी सत्ताधारी पार्टी के लोग, तमाम मुख्यमंत्री जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं, वो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा था, तब भी ये बात कही गई थी कि जब बढ़ाया जाएगा तो हजारों परिवार जो विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया, उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की और आज वो बेघर हो गए, बेघर होते जा रहे हैं लगातार। बड़वानी में और आसपास के जिलों में वहाँ पर जो भूमि अधिकार संगठन के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग किसान संगठनों के कार्यकर्ता हैं, उसमें हमारा पार्टी का किसान संगठन भी शामिल है, वो लोग जल समाधि कर रहे हैं इसके खिलाफ में। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे समय में प्रधानमंत्री को इस पर कार्रवाई करना चाहिए था, संवेदनाओं का आम जन का ध्यान रखना चाहिए था, वो आज अपने जन्मदिन का जश्न ऐसे समय मना रहे हैं, ये शर्मनाक। महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव पर्व के तहत शहर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। यह महोत्सव 21 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसी कड़ी में आज स्लो स्कूटर रेस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अग्रसेन जयंती महोत्सव के दौरान स्लो स्कूटर का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग प्रतियोगिता रखी गई है। इसी तरह 5 दिन के विभिन्न कार्यक्रम समाज द्वारा किए जा रहे हैं और जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। धरनावदा थाना एवं राधोगढ़ SDM तथा SDOP की संयुक्त कार्रवाई में अवैध परिवहन करता एक ट्रक पकड़ा। बता दें कि सवाई माधोपुर से श्योपुर अवैध रूप में खनिज लेकर जा रहा यह ट्रक आज धरनावदा थाना प्रभारी ने पकड़ा, साथ ही उस पर चालानी कार्रवाई भी की गई। खनिज का परिवहन पूर्णतः अवैध है, उसके बावजूद भी उक्त ट्रक को परिवहन किया जाता रहा। प्राप्त जानकारियों के अनुसार यहाँ से राधोगढ़ भी कई बार ट्रक गया है, ऐसा नहीं कि अवैध परिवहन का कोई पहला मामला हो, इससे पूर्व भी कई मामले सामने आ चुके हैं। लोगों की माने तो यह सब खेल सेटिंग्स का है। अभी तक इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, यह एक बड़ा सवाल है। SDM साहब रावण और SDOP साहब के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान था, जिसके तहत ये गाड़ी MP09HF0511 अवैध परिवहन लेता रहा हुआ है करते हुए पकड़ी गई और इस पर SDM साहब कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस और राजस्व की मिलकर कार्रवाई चेकिंग थी। अवैध रूप से ले जा रहा है और बड़ा अवैध परिवहन है ये, इसके तहत कार्रवाई की गई है।
धरनावदा से हमारे सहयोगी नितिन शर्मा की रिपोर्ट। डीजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।